इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, द्रव्य तरंगे अथवा देवरागली तरंगों के बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो देवरागली तरंगे या द्रव्य तरंगे क्या होती है? देखिए, अगर कोई आपका द्रव्य जो है वो गति कर रहा है, अगर कोई द्रव्य गति कर रहा है तो गति की परिस्थिति में क्या होता है कि द्रव्य के जो कण रहते हैं वो तरंग की भांति कार्य करते हैं। तो द्रव्य के गतिमान कण उपरोक्त परिस्थिति में तरंग की भांति कार्य करते हैं। अब इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या देवरागली तरंगे कहते हैं। जो द्रव्य है हमारा गति करता है तो उसके कण तरंग की भांति कार्य करते हैं कुछ परिस्थितियों में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे बोलते हैं क्योंकि वो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा देवरागली तरंगे कहते हैं। इसका पूछ लिया जाता है देवरागली तरंगों का तरंग दैर्ध्य के फॉर्मूले के लिए, तो ये है हमारी तरंग दैर्ध्य लैम्डा। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, जहां पर लैम्डा है हमारा तरंग दैर्ध्य, एच है हमारा प्लांक नियतांक, एच है हमारा प्लांक नियतांक, वी है हमारा चाल, और यहां पर एम है हमारा द्रव्यमान। तो लैम्डा है तरंग दैर्ध्य, एच है प्लांक नियतांक, एम है कण की चाल, एम है कण का द्रव्यमान और बी है कण की चाल। तो ये है हमारा द्रव्य तरंगे या द्रव्य आपका देवरागली तरंगे। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके सत्यापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं या इसका सत्यापन कैसे किया जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि डेविसन और जर्मन के प्रयोग से हम इन तरंगों का सत्यापन करते हैं। सत्यापन मतलब पता करते हैं ये वाकई में है भी या नहीं। तो इनका इस सत्यापन या प्रयोग के लिए हम डेविसन और जर्मन के प्रयोग का प्रयोग करते हैं।